हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले क्लास में आपको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म कर दिए थे, जिसमें आपको डिफरेंट 3-4 लेक्चर लगे थे। एक छोटा सा पार्ट छूट गया था, कई सारे कमेंट आए सर ये टॉपिक छूटा हुआ, तो लिख दीजिए हम इसको पढ़ा देते हैं। जैसे देखिए, ये अपना टेस्टिस हुआ, ये जो हम पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक था, छूटा हुआ था, ये वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से ये टेस्टिस हुआ और टेस्टिस के ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है। तो एपिडिडाइमिस के लिए हम बताए थे, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर्ड रहता है। और ये जो स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, ये जो एपिडिडाइमिस, ये सारा पार्ट हुआ, ये पार्ट एपिडिडाइमिस कहलाया। और एपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, एक अपर और एक मिडिल और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो रहता है, हाईली क्वाइल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड रहता है, इसका नाम देते हैं कैपिट नाम देते हैं, या फिर ग्लोबस मेजोरा नाम देते हैं, या फिर ग्लोबस मेजर नाम देते हैं। मिडिल पार्ट ज़्यादा थोड़ा कम क्वाइल होता है, इसका नाम देते हैं कॉर्पस नाम देते हैं। और नीचे वाला पार्ट जो एकदम क्वाइल नहीं होता, सिंपल होता है, इसका नाम देते हैं कॉर्डा, या फिर ग्लोबस माइनर नाम देते हैं। देखिएगा, ग्लोबस मेजर, ग्लोबस माइनर, या फिर इसको कैपट, इसको कॉर्पस और इसको कॉर्डा नाम देते हैं। क्लियर है क्या? बस इतना सा पार्ट छूटा हुआ था। तो इस तरह से हम मेल पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये अपना चैप्टर 3 है, यानी चैप्टर 3 का है, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का। क्लियर है क्या? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे का नाम देते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी एक का नाम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे का नाम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे आएंगे ओवरी, और ओवरी जो अपना होता है, ये एक पेयर होता है। यानी हम बात करें, यानी ह्यूमन का जो फीमेल होते हैं, इसके अंदर ओवरी जो होता है, एक पेयर में होता है। क्लियर है क्या? और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहला आएगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आएगा यूटेरस, यानी सबसे पहले देखेंगे डक्ट आएगा, और देन यहाँ पे आएंगे ग्लैंड्स, और देन यहाँ पे आएगा अपना एक और पार्ट होता है जिसका नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यानी हम बात करते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड किए। देखें यहाँ से, यानी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी आएंगे, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में उससे रिलेटेड डक्ट्स आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएंगे। तो देखिए, डक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे? डक्ट्स में हम एक आता है यूटेरस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे, ठीक है ना, और इस तरह से और भी कई सारे नाम आएंगे, आगे हम देखते चलेंगे। ग्लैंड्स में बात करेंगे, एक आएगा अपना बार्थोलिन ग्लैंड, और एक आएगा मैमरी ग्लैंड। यानी हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा विजाइना, वैजाइना। क्लियर है क्या? ये सारे पार्ट हम यहाँ से देखेंगे। क्लियर है क्या? तो देखें, यहाँ से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी मेनली 2 पार्ट में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे अपना ओवरी, जो कि एक पेयर में होंगे, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखिए, आज हम इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे, और अगले क्लास में हम मेजर पार्ट, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ से हम एक बार ओवरव्यू आपको बता दें। देखें, ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवरी का नंबर अपने ह्यूमन के ह्यूमन फीमेल में 2 होते हैं, दोनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। डक्ट्स, यूटरस वो पार्ट है जहां पर बेबी डेवलप होते हैं, फीटस डेवलप होता है, जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? मतलब ओवरी के ओवरी से निकलने वाला ओवम जो यूटरस के अंदर ले जाएगा, ग्लैंड्स, बार्थोलिन और यहाँ पे वैजाइना। तो आज हम यहाँ से
वेजाइना वाला पार्ट कवर करेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अभी तुरंत हम बांटे थे, दो पार्ट में डिवाइड किए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है यहाँ पर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसका नाम वेजाइना देते हैं या फिर वल्वा नाम देते हैं, क्लियर है क्या? देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम बनाते हैं, तो देखिए यहाँ से आप डायग्राम देखिएगा, इसके कुछ पार्ट हम पहले मेंशन कर देते हैं। देखिए इसके हम पार्ट की बात करें, इसको सबसे पहले हम एक बताएंगे, लेबिया मेजोरा, दूसरा बताएंगे हम लेबिया माइनोरा, तीसरा हम बताएंगे मॉस प्यूबिस, चौथा बताएंगे क्लाइटोरिस, पांचवा बताएंगे हाइमिन, पांचवा बताएंगे यूरेथ्रल ऑर्फिस, और फिर आगे बताएंगे एनस, फिर बताएंगे यहां से बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ये सारे कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले ये हम यहाँ से पार्ट बनाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये फीमेल का ये एक पेल्विस रीजन का ये डायग्राम बनाया है, जिसमें देखिए हम कुछ यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो पार्ट है फीमेल का जो यानी पेल्विस रीजन में जहाँ से वेजाइना वाला पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे कुछ फैटी एरिया होता है, और इस फैटी एरिया को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। जरा देखिए इसको हम मेंशन करते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना? और इसका नाम हम देते हैं प्यूबिस हेयर, इसका नाम देते हैं प्यूबिस हेयर। यानी हम बोलेंगे फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी जेनिटेलिया जो होते हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, हेयर रहता है, और इस हेयर का नाम देते हैं प्यूबिक हेयर, और ये जो फैटी पार्ट होता है इसका नाम देते हैं मॉन्स प्यूबिस। अब देखें ये जो पार्ट होता है अपना जेनिटेलिया वाला, उसके ऊपर दो फोल्ड्स होते हैं, एक ये फोल्ड्स होता है जिसका नाम देते हैं लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब क्या? मेजर पार्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैसी होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब फैटी एरिया होता है, हम इसका नाम देते हैं लेबिया मेजोरा। और देखिए इसके अंदर वाला ये जो एरिया है ये वाला, इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम ये जो हम ब्लू वाला बना रहे हैं, इसका नाम देते हैं लेबिया माइनोरा, इसका नाम देते हैं लेबिया माइनोरा नाम देते हैं, क्लियर है क्या? और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा यहां तक बताया, ठीक है? और जरा देखिए ये जो ओपनिंग अपना जो ये सारा एरिया जो बचा है, इसका नाम देते हैं वेस्टिब्यूल्स। यानी हम बोले यानी लेबिया माइजोरा और लेबिया मेनोरा के अंदर जो ओपनिंग बचा है, इस सारे ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, ठीक है ना? और देखें इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग होते हैं, एक ये ओपनिंग और दूसरा ये ओपनिंग। देखिए ऊपर जो ओपनिंग होता है ये ओपनिंग होता है डायरेक्टरी यूरिनरी ब्लडर जो होता है ना, यूरिनरी ब्लडर जहां पे यूरिन स्टोर रहता है, उस यूरिन को फीमेल के अंदर डिस्चार्ज करने के लिए एक स्पेशल ओपनिंग होता है। लेकिन मेल में ऐसा कुछ नहीं था, मेल में हम देखे थे स्पर्म को रिलीज करना हो या फिर
या फिर यूरिन को चाहे स्पर्म को रिलीज करना हो या यूरिन को डिस्चार्ज करना हो उसके लिए एक ही ओपनिंग था। लेकिन फीमेल में यहाँ देखें, यहाँ से कॉपुलेशन के लिए कॉपुलेटरी पार्ट अलग होता है और यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए अलग होता है। जो यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए ओपनिंग होता है इसका नाम देते हैं यूरेथ्रल पोर, यानी इसका नाम देते हैं यूरेथ्रल पोर या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग, इसका नाम ओपनिंग दे देंगे, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग नाम देते हैं। और ये जो देखें इसके नीचे एक ओपन पार्ट होता है, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा मेम्ब्रेनस झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम हम देते हैं ये पूरा जो पार्ट है अपना वेजाइना, यानी ये रहा अपना वेजाइना। और इस वेजाइना की बात करें तो यहाँ से इसको वेजाइना लिखना गलत बात है, इसको हम वाल्व पढ़ लेते हैं ना, वल्वा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें हम देखेंगे ये वेजाइना वाला पार्ट हुआ और वेजाइना के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट थोड़ा 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 लगा होता है इसका नाम देते हैं हाइमेन, ठीक है ना, हाइमेन हो गया। और ये जो जरा देखिए ये रहा अपना एनस वाला पार्ट। तो हम देखें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ये सारा चीज होता है। फिर देखें जहां पर लीबिया मेनोरा और लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा जहां पे फोल्ड करते हैं इसका नाम हम देते हैं क्लाइटोरिस, इसका नाम देते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस के लिए हम देखेंगे क्लाइटोरिस के लिए ये इरेक्टाइल टिश्यू है। जैसे हम बात करते थे मेल के पेनिस के अंदर दो इरेक्टाइल टिश्यू होते थे, नाम देते थे कॉर्पस कैवर्नोसा, इसी तरह से ये जो मतलब लीबिया माइनोरा और लेबिया माइजोरा के जो क्लोजनिंग से जो बना है मटर के दाने के तरह का स्ट्रक्चर ये क्लाइटोरिस हुआ। और ये क्लाइटोरिस जो होमोलोगस होता है ये पेनिस के जैसा, क्योंकि पेनिस का जैसा काम था इरेक्ट होना वैसा ही नेचर किसका है, क्लाइटोरिस का, इसीलिए इसको कहते हैं होमोलोगस ऑफ, होमोलोगस ऑफ पेनिस। यानी हम बोले तो यहां से ये किसका होमोलोगस है, पेनिस का होमोलोगस है, कंप्लीट है क्या। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर मिलेगा। जरा देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, यहाँ पे आप जरा देखें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो ओपनिंग, ये फीमेल का दोनों पैर हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, आप लोग फील कर सकते हैं, फीमेल को तो छोड़िए मेल फील कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस डायग्राम में आप देखिए ये दोनों पैर वाला रीजन हुआ और पैर के बीच में ये रहा एनस और एनस के ऊपर ये अपना वेस्टिब्यूल वाला पार्ट हुआ। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या, जो भी ओपनिंग रहता है ना, जैसे फीमेल के वेजाइना के आप यदि लीबिया माइनोरा लीबिया में जोरो को हटाएं तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा रुकावटें होती हैं, इसका नाम देते हैं ह्यूमन हाइमेन। इस हाइमेन के बारे में जरा देखिए, यानी फीमेल में ऐसा कहा जाता है यदि फीमेल कोई कॉपुलेशन नहीं किया है, सेक्स नहीं की है फीमेल, तो उसके अंदर ये हाइमेन थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल्स रहता है ये प्रेजेंट रहेगा। और जब पहली बार कॉपुलेशन होगा पेनिस इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो जिसके कारण ये जो हाइमेन ब्रेक होगा और हाइमेन के ब्रेक होने से ब्लीडिंग होता है, ये फर्स्ट टाइम सेक्स के टाइम होता है। लेकिन किसी किसी फीमेल में ऐसा सही नहीं देखा गया है क्योंकि ये कभी कभी तेज साइकिलिंग साइकिलिंग करने से, एक्टिव प्ले करने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से या फिर टैम्पॉन को इंसर्ट कराने से ये सब टूट सकता है। तो हाइमेन को हम वर्जिनिटी का सिंबल नहीं कह सकते हैं, हाँ कभी कभी मिलता है, लेकिन इसको ऐसा कहना हाइमेन का प्रेजेंट होना मतलब वर्जिनिटी का सिंबल है ऐसा सही नहीं है, क्लियर है क्या। फिर देखिए ये वेजाइना वाला पार्ट हुआ, वेजाइना के जस्ट ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसका नाम देते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है यूरिथ्रा को यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन होता है, क्लियर है क्या। फिर देखिए इसके ऊपर लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा का जो कवरिंग पार्ट होता है जो फोल्ड बनाता है उसका नाम देते हैं क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस जो होते हैं ह्यूमन के पेनिस के होमोलोगस माना जाता है। देखिए जरा ये पार्ट सारा बता दिए इधर वाला। फिर देखिए जो वेजाइना का जो वेस्टिब्यूल होता है इसका अपर प्रोटेक्टिव पार्ट लीबिया माइजोरा, लोअर माइनोरा, क्लियर है क्या। और इससे लीबिया मेजोरा के ऊपर काफी ज्यादा मतलब फैटी एरिया होता है, एकदम सॉफ्ट एरिया, उसका नाम देते हैं मॉन्सपिविस। और इसके ऊपर कुछ हेयर होते हैं जिसका नाम देते हैं प्यूबिक हेयर, क्लियर है क्या। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको हम बताएं, क्लियर है क्या। यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस के लिए हम बात करेंगे जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड
लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा. फिर देखिए, इट इज इरेक्टाइल टिश्यू. इट इज इरेक्टाइल टिश्यू एज होमोलोगस टू पेनिस. ये इतने क्लाइटोरिस के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. देखिएगा, क्लाइटोरिस के लिए साथ साथ आप देखते चलेंगे, ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे होता है. फिर बात करें, ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इसलिए इसका नाम देते हैं होमोलोगस ऑफ पेनिस. कंप्लीट है क्या? फिर देखिए एक चीज और यहाँ से बता रहे हैं. जैसे देखिए, ये जो अपना वेजाइना है, इस वेजाइना के बगल में दो यहाँ से पेयर में, यानी एक पेयर में यहाँ से ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग जो होते हैं, ये ग्लैंड होता है, नाम देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड. क्या नाम देते हैं? ये होता है बार्थोलिन ग्लैंड. क्लियर है क्या? यानी यहाँ से अब देखिए, वेजाइना के दोनों साइड में छोटा छोटा ग्लैंड का ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग जो ग्लैंड का ओपनिंग होता है, उस ग्लैंड का नाम देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड. ये कॉपुलेशन के टाइम, इनसेक्स के टाइम, ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं, कुछ अपना सेक्रेशन रिलीज करता है, ताकि पेनिस को फ्रिक्शन रिड्यूस कराने में, यानी कॉपुलेशन को इजी करा सके. ठीक है ना? तो चलिए यहाँ से आपको क्लाइटोरिस के बारे में यहाँ से बता दिए. ठीक है ना? ये क्लाइटोरिस कंप्लीट है क्या? इसको लिखते चलिएगा. फिर चलते हैं यहाँ से क्लाइटोरिस के बाद यहाँ से यूरेथ्रल ओपनिंग की तरफ. जरा देखिए, यहाँ से अब चलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग. देखिए, यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करते हैं, ये कहाँ से आता है, हम बात करें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बात करेंगे इट इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल. जरा देखिए, ये लाइन आपको ध्यान रखना है. ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो है, ये पूरा तो वेस्टिब्यूल वाला एरिया हुआ. वेस्टिब्यूल के अपर पार्ट में एक ओपनिंग होता है, जिसका नाम देते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग. क्लियर है क्या? ये किसके लिए होता है? फॉर मैच्योरेशन. यानी हम बात करेंगे यूरिन डिस्चार्ज के लिए, या फिर इसी को कहते हैं फॉर यूरिन डिस्चार्जिंग. यानी यूरिन को अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग का कहानी. क्लियर है क्या? देखिए, यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए हम क्या बताए, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए आपको बताया गया, ये जो अपना होता है, प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल के सबसे अपर पार्ट में, फिर ये मैच्योरेशन यानी यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कंप्लीट है ये क्या? चलिए भाई, अब चलते हैं वेजाइना की तरफ. हम देखिए यहां से वेजाइना की बात करते हैं. देखेंगे वेजाइना, ये तो आगे पूरा कवर ही कराया जाएगा. चलिए हाइमेन की तरफ चलते हैं. हाइमेन की बात करते हैं, प्रेजेंट इन वेजाइना. ये कहां होता है? वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है. फिर अगला पॉइंट, इट इज ए इसको कह सकते हैं, ये जो होता है ना, ब्रिक होता है, ये एक जो है ना, एक लेयर होता है. इट इज अ लेयर ऑफ थिन वेंस. क्लियर है क्या? एक पतला वेंस के तरह ये लेयर होता है. एंड यहां से हम बोलेंगे एट फर्स्ट कॉपुलेशन कॉपुलेशन इट्स ब्रेक. ब्रेक टू इंसर्शन ऑफ पेनिस. यानी हम देखें, ये पहली बार कॉपुलेशन के टाइम पेनिस को इंसर्ट करने से ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इस, है ना. चलिए, ये भी यहां से वेजाइना भी बता दिए, हाइमेन भी बता दिए. इस एनस की बात करें तो एनस का सेक्सुअलिटी में कोई रोल नहीं होता है, ये फॉरेस्टूल डिस्चार्ज के लिए होता है. फिर यहाँ से मॉन्स प्यूबिस बता ही दिए, फिर यहाँ से आपको प्यूबिक हेयर बता ही दिए, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल्स हो ही गया. तो इस तरह से आज का क्लास आपको केवल हम एक फील कराने की कोशिश किए, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये है क्या.
अब जरा देखें यहां से एक अगले क्लास का कंटेंट होगा, जैसे हम बोले ये वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर हम देखेंगे ये, जैसे हम बात करें, एक डायग्राम मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम और अच्छे से फील करा देते, जैसे बात करेंगे यहां से हम बात करें तो एक देखिएगा कोई लेडी हम बना रहे हैं, जरा देखिए ये लेडी का फेस हुआ है ना, अब देखें ये इसका गला हुआ, ये इसका चेस्ट वाला रीजन हुआ, ये एब्डोमेन वाला रीजन हुआ, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इसको मिटाने के बाद, जरा देखिए चेस्ट वाला रीजन हुआ ये किसी लेडी का, और ये उसका हुआ नीचे पैर वाला रीजन, क्लियर है क्या, यहाँ क्लियर है क्या। अब जरा देखिए इस रीजन में हम बात करेंगे, यहाँ से इसका नेक वाला रीजन हो गया और ये इसका मुंडी हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसकी बात करें, यहां से इसके पैर आ गए। अब देखिए इस रीजन में क्या होता है, ये हम ये वाला जो पार्ट बनाया है ये तो यहां हो गया, और इसी का ओपनिंग अंदर की तरफ देखेंगे तो यहां पर दो ओवरी होता है, इस तरह से दो ओवरी होता है, और यहां पर इसका होता है यूट्रस, इस तरह से ये होता है यूट्रस, ये रहता है यूट्रस, और फर्दर ये वेजाइना में ओपन होता है, और यहां से इसका ये पार्ट फेलोपियन ट्यूब ऐसे रहेगा, यहां से ये हम देखेंगे ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट रहा, इस तरह से ये ओपन होगा और ये फंडस वाला पार्ट होगा, क्लियर रहेगा। यानी अगले क्लास में ये हम डायग्राम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कुछ हम यहाँ से ये बताएं, जैसे शुरू में हमें पढ़ना है तो ये डायग्राम अगले क्लास में हम यहाँ से बताएंगे। वैसे पढ़ना तो पहले ये चाहिए था, लेकिन ये आपको पता नहीं पड़ता ये डायग्राम होता कहाँ है, इसलिए हम इसको पहले पढ़े देन इसको, रहेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में मेन टॉपिक के साथ, इससे क्वेश्चन अभी जो पढ़ा है इससे आपको याद ही हो जाएगा और याद ही रख लेना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।